guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग reaction देने जा रहे हैं animal के new song पे, जिसका title है हुआ मैं. तो ये first song out हुआ है animal का. और जैसे कि हमें पता है कि इसमें रणबीर कपूर एंड रश्मिका मंदाना star casted है. तो हम लोग direct पहले सुन लेते हैं song को and after that we will give our reaction. तो start करते हैं. एंटी गीता, इतना सब कुछ पता था तो पहले ही बता देना चाहिए था. और इस लड़की को तो ये जब बच्चा था तब से जानते हैं इसे. और देखो, अब बातें करने से क्या फायदा भाई साहब, जो होना था सो हो गया. गीता, ये तो कट मार लड़वे. अबे कुछ तो बात करके बोलो यार, दोनों मिलके एक्सप्लेन करो. रेनू आगरा कार्तिक, क्या एक्सप्लेन करेगी बेशरम लड़की, बस बहुत हो गया. उठो गीता, जस्ट गेट अप. कोई पागल हुआ, हुआ मैं, हुआ मैं, हुआ मैं. दुआ से मैं उठा जो तेरा, हुआ मैं, हुआ मैं राजना, हुआ मैं. मंदिर के चारों तरफ घूम रहे थे, तो वो सीन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन. और ये रश्मिका वो साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी. बेसिकली रश्मिका मुझे ये इंडियन अटायर में ज्यादा प्रिटी लगती है. वेस्टर्न में भी अच्छी लगती है नो डाउट, बट इंडियन में अच्छी लगती है. मैंने रश्मिका के ज्यादा मूवीज नहीं देखे हैं. मैंने गीता गोविंदम जो है वो देखी थी, पहली फिल्म रश्मिका की विजय के साथ थी, और विजय देवराकोंडा के साथ थी. वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी. अदरवाइज मैंने रश्मिका की मतलब ज्यादा फॉलो नहीं किया है मैंने रश्मिका को, बट जितना भी देखा है शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. और बेसिकली उनका जो मुझे उनका वो ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा लगता है. इवन उनको ड्रेस आई नो कि डिजाइनर ही जो है वो डिजाइन करते हैं, बट एक जो एक्टर या एक्ट्रेस होती है तो उनको भी फाइनल करना होता है ना. इसमें जो उनको ड्रेसिंग मतलब जो भी उनका वो नहीं है, एक्टर एक्ट्रेस का कुछ फाइनलिज्म का चक्कर नहीं होता है. जो भी होता है वो जो
प्रेसिंग मैन होता है वही फाइनल करके देता है. उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से ही सेट करके रखते हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. जैसे कि लास्ट मूवी जो आई थी रणबीर कपूर की तू झूठी मैं मक्कर, उसमें श्रद्धा को जो लुक दिया था वो पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था. पूरे मूवी में जो उसका लुक था मुझे इतना नहीं अच्छा लगता. मतलब श्रद्धा के ऊपर इतना वो सूटेबल नहीं जा रहा था मेरे हिसाब से. हाँ मुझे नहीं लग रहा था. मुझे इतना सूटेबल नहीं लगा. मुझे श्रद्धा वेस्टर्न में भी अच्छी लगती है, इंडियन श्रद्धा मुझे भी वेस्टर्न में अच्छी लगती है, इंडियन में भी अच्छी लगती है. बट आई डोंट नो व्हाई मुझे थोड़ा सा श्रद्धा के ऊपर वो सारे कॉस्ट्यूम्स और वो सारे ड्रेसेस, इवन वो जिस तरीके से वो कैरी कर रही थी वो बहुत प्रीटी कैरी वो अच्छा कर रही थी. मैं उसके ऊपर भी अच्छा ही लग रहा था. श्रद्धा जैसी एक्ट्रेस है ना वहाँ पे, पता नहीं कि मुझे कुछ ऑफ लग रहा था. अरे तो उसका रोल और डिफरेंट था, दूसरे ये में रोल डिफरेंट. आई डोंट नो मुझे अब अगर रोल डिफरेंट है तो उसको आई कुडंट कनेक्ट. इसमें तुम्हारे साथ कनेक्ट करने का कोई रीजन ही नहीं. उसकी ड्रेसिंग से तुम कनेक्ट करना होता कर है. ड्रेसिंग नहीं, मुझे उनका, मैं कैरेक्टर के साथ ही नहीं कनेक्ट कर पाई थी. नहीं उनका जो कैरेक्टर है उस हिसाब से तो उनका ड्रेसिंग बिल्कुल सही नहीं. मैं कैरेक्टर के साथ ही कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि तुम्हें पूरा स्टोरी नहीं पता. हो सकता है बट मैं जितना भी मैंने देखा था मैंने नहीं कनेक्ट कर पाई. बट यहाँ पे मैंने वो पूरा मूवी, पूरी मूवी नहीं देखी है बट मैंने उसके काफी सारे सीन्स देखे. मतलब काइंड ऑफ पूरी मूवी देखी है और उसका स्टोरी लाइन भी मुझे पूरा पता है और उनका जो कैरेक्टर है उस हिसाब से उनका ड्रेसिंग वगैरह बिल्कुल सही दिया जो भी हो. बट यहाँ पे जो मैंने देखा मुझे काफी अच्छा लग रहा है. ये मतलब मुझे रश्मि मतलब इनोसेंट भी लग रही है और बहुत अच्छी भी लग रही है. मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा. स्पेशली वो जब साड़ी पहन के आती है निकल के अंदर से और वो सीन बहुत जेंटल था. बेसिकली बोल्ड नहीं था वो सीन. जो रणबीर जाता है उठ के उसको पैक करता है हल्का सा साइड पे, वो सीन मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो फ्लाइट उड़ाने वाले सीन. किसी को फ्लाइट उड़ाना आता ही नहीं है, आप उसको पायलट वाले सीट पे बिठा के दिखा रहे हो. मतलब यह मूवी या फिर सीरियल्स में ही हो सकते हैं. रियलिटी थोड़ी रियलिटी बेस्ड थोड़ी नहीं हो सकता है ना कि वो पायलट हो दोनों. वो अगर पायलट होती तो वो उसको मतलब वो डरती नहीं फ्लाइट उड़ाते वक्त और वो उसका हाथ पकड़ के वो नहीं घुमाता. अच्छा हो सकता है. बट हाँ मुझे बहुत सूदिंग लगा सॉन्ग. सॉन्ग बहुत अच्छा था और बहुत सॉफ्ट था, बहुत स्लो था. मुझे स्लो सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं तो काफी अच्छा लगा. और सिंगर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सही. सो गाइज हम तो मजा आया और भी सॉन्ग्स ट्रेलर एंड ऑल आएंगे तो उस पर भी हम लोग रिएक्शन देंगे. तो इट वॉज आवर रिएक्शन. वी होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके. अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.